पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की फिर से फजीहत हुई जब श्रीलंका ने उनके संसद में संबोधन को कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान की तर्ज पर भारत के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता श्रीलंका। पाकिस्तान का कट्टरता को बढ़ावा देना भी इस संबोधन के रद्द होने की बड़ी वजहों में से एक है। टीएफआई पर आपका स्वागत है, मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूं कि कैसे श्रीलंका ने पाकिस्तान के पीएम का संबोधन रद्द कर एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना पाकिस्तान के लिए आम बात है। वो अगर नेक उद्देश्य से भी कोई काम करना चाहे तो उसके पुराने पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। अभी हाल ही में वर्षों में पहली बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान एक विदेशी दौरे पर श्रीलंका जाने के लिए तैयार हुए, पर उनके पहुंचने से पहले ही श्रीलंका की संसद में उनका प्रस्तावित संबोधन रद्द कर दिया गया। श्रीलंकाई संसद के सर्जेंट एट आर्म्स नरेंद्र फर्नांडो के अनुसार पीएम इमरान खान अपने 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उनका श्रीलंकाई संसद में संबोधन रद्द हो चुका है, जिसकी पुष्टि श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने भी की है। इमरान खान बतौर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री 22 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जाने वाले हैं। संसद में भाषण की मांग पाकिस्तानी सरकार ने की थी, परंतु श्रीलंकाई सरकार ने आखिरी समय पर इमरान खान के भाषण के निर्णय को रद्द कर दिया। ऐसा क्यों हुआ और किस लिए, इसके लिए स्वयं पाकिस्तानी अखबार डॉन ने कुछ तर्क रखे हैं जो आश्चर्यजनक रूप से काफी सटीक भी बैठते हैं। डॉन अखबार के अनुसार श्रीलंकाई रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका की सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि ये भाषण हो, क्योंकि इससे भारत के साथ संबंधों में दरार पड़ सकती थी। कोलंबो पोर्ट में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को लेकर एक डील रद्द होने से भारत पहले से ही नाराज है और इमरान खान के भाषण से स्थिति बद से बदतर हो सकती थी। लेकिन इमरान खान के भाषण से ऐसा भी क्या हो जाता जो भारत श्रीलंका के संबंधों में दरार पड़ जाती? इसके लिए कोई विशेष शोध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रवृत्ति से भारत का हर नागरिक परिचित है। स्वयं डॉन ने इस बात को स्वीकारा है कि इमरान खान निसंदेह संसद में अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाते, और संसद में ये बात बोलने का अर्थ होता कि श्रीलंका ने जानबूझकर अपने मंच से इमरान खान को भारत के विरुद्ध विष उगलने का अवसर दिया और श्रीलंका ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहता। उरी और पुलवामा हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंध अब रसातल में जा चुके हैं। इसके अलावा भारत द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना मानो पाकिस्तान के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान 2019 से ही हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहता है। अब यह अलग बात है कि कोई भी उसे पानी तक नहीं पूछता, लेकिन यही एक कारण नहीं है जिसके कारण श्रीलंका ने इमरान खान को संसद में भाषण देने से रोका। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इमरान खान को संसद में भाषण देने से संभवतः श्रीलंका ने इसलिए भी रोका क्योंकि वे द्वीप देश के कट्टरपंथी मुसलमानों का भी पक्ष लेने लगते हैं। बता दें कि कुछ साल पहले श्रीलंका के चर्च में हुए आतंकी हमले के बाद से श्रीलंका के नागरिकों में नाराजगी है और अब श्रीलंका भी कट्टरपंथी मुसलमानों के आतंक से डरना बंद कर चुका है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को अपने संसद में स्थान नहीं देना चाहते जो कट्टरता को बढ़ावा दे। अब वजह चाहे जो भी हो, इमरान खान को एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपमान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सत्ता में आने पर कहा था कि नए पाकिस्तान की अपनी अलग पहचान होगी, शायद यह पहचान आगे चलकर उन्हें बहुत ही महंगा पड़ सकता है।